शहर के अजबड़ी मिल की चिमनी के पास आज 20 साल के एक नौजवान युवान की हत्या की हुई लाश बरामद होने से कई तरह की अटकलें बनी हैं, जहां उसके सर को ही और मुंह को ही बेरहमी से कुचले जाने के बाद मौत के घाट उतारने का किस्सा प्रकाश में आते हुए परिवार द्वारा हत्या की आशंका जताई गई। वडोदरा शहर के अजबड़ी मिल चिमनी के पास आज एक नौजवान युवान का मृतदेह बरामद होने से कई तरह की अटकलें बनी हैं। घटना की जानकारी पुलिस विभाग को देते हुए उच्च पुलिस अधिकारी का काफिला घटनास्थल पर दौड़ा चला आया। अक्सर वडोदरा शहर के विभिन्न स्थानों में अब छोटी बड़ी विवाद ने बड़ा स्वरूप धारण करने के साथ हत्या के किस्से अब आम बन रहे हैं। शहर के पानीगेट विस्तार में अजबड़ी मिल की चिमनी के पास आज 20 साल के नौजवान युवान का मृतदेह बरामद होने से पुलिस विभाग में भगदड़ का माहौल पैदा हुआ था। तो वही घटना की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए FSL तथा उच्च पुलिस अधिकारी भी स्थल पर दौड़े चले आए, जिसमें ये युवान का किसी अन्य लोगों के साथ झगड़ा होने के बाद मौत के घाट उतारा गया है, वैसी चर्चा ने जोर पकड़ा है। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस विभाग ने सघन तहकीकात जारी की है। समग्र मामले अंतर्गत DCP यशपाल जगनिया ने बताया था कि पानीगेट अजबड़ी मिल के पास एक शख्स का मृतदेह बरामद होने से पुलिस विभाग द्वारा इसकी सघन तहकीकात जारी की गई है। ऐसे में यहां पर रहता वैसा पानीगेट विस्तार का 20 वर्षीय अर्जुन जगदीश छुटमुट मजदूरी करता था। पानीगेट विस्तार में आई हुई अजबड़ी मिल की चिमनी के पास आज सुबह अर्जुन का मृतदेह बरामद होने से मृतक के भाई सन्नी ने इस संदर्भ में जानकारी दी थी, जहां 8 बजे के आसपास उसके साथ किसी की मारपीट हुई थी। ऐसे में एक दोस्त का उस पर फोन आने के बाद यहां पर कौन लेके आया उसकी भी उसे जानकारी नहीं है। ऐसे में 9 से 10 जितने लोगों के बीच मारपीट होने की जानकारी प्राप्त होते हुए पुलिस द्वारा सघन तहकीकात जारी की गई है। सूट आयो तो ये खबर ने साहब में देखियो नहीं सूट आयो तने क्या जान थी मेटा नगर तो फोन आयो मारी पर तो मैं यहीं आयो जो सुनो छे भाई नु आखो नाम से आखो नाम अर्जुन दे वागेला दुश्मनी चाले बहुत पहले से नाम नहीं खबर कोई शक खरो शक तो खबर तेनु नाम नहीं खबर मैं देखीश ना तो मैं तमने कही दईश के आ व्यक्ति छे અલગ અલગ ટીમો પાણીગેટ પોલીસ સ્ટેશન ની DCP ની ટીમો આમાં લાગેલી છે। ખરેખર શું બના બને છે તે હાલમાં કોઈ સ્પષ્ટ જણાયેલ નથી, પરંતુ ટૂંક સમયમાં એની હાલમાં તપાસ ચાલુ છે। હાલમાં કોઈ મર્ડર થયો કે શું થયું છે સ્પષ્ટ કહી શકાય નહીં, PM રિપોર્ટ ના આધારે જ કહી શકાશે। હાલમાં એ PM માટે મોકલી દેવામાં આવશે। પોલીસ કયો ગુનો નોંધી તપાસ કરશે? અત્યારે તો PM થઈ જાય પછી હાલ એના આગળ DCP ની ટીમ પણ તપાસ કરી રહી છે અને જે માહિતી મળશે એના આધારે ગુનો નોંધવામાં આવશે અથવા તો ED તરીકે કરવામાં આવશે। મર્ડરનું નામ જો કોઈ ખબર પડી? અર્જુનભાઈ નામ છે એવું જાણવા મળ્યું। સાહેબ લાશની પરિસ્થિતિ જોતા શું લાગે છે?
એ તો પેનલ પીએમ ના આધારે જ ખબર પડશે કે ખરેખર શું એને ઇન્જરી થઈ છે અને એના આધારે જ આપણે કહીશું.